करते हैं, शुक्रिया। इधर आ जा अंदर, अरे नहीं इधर आ जा, इधर रेडी। सबसे पहले तो हे ब्रो, ओके 1 2 3 4 हे ब्रो, 27 फरवरी, लेकिन आप बोलना नहीं 27 फरवरी, डू वॉच। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पे हे ब्रो का एक्सपीरियंस कैसा रहा पूरी टीम का? बहुत अच्छा, हमारा फर्स्ट प्रमोशन था ये हे ब्रो का, यहाँ पे स्टेज पे आए हम लोगों ने परफॉर्म किया, हमको बहुत प्यार मिला। और सबसे बड़ी बात ये है कि कैंसर जो पेशेंट्स हैं उनके लिए हमने यहाँ परफॉर्म किया, इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। हमेशा होता है कि कोई अवार्ड फंक्शन होता है या बड़ा का इशू होता है, ये जहाँ जिन ये कैंसर पेशेंट इनके पास आए, हमने इनके साथ में डांस किया, इससे बड़ी दुआ हमको कोई मिल ही नहीं सकती है ब्रो फिल्म के लिए। तो है ब्रो, है ब्रो। आप लोग को नहीं लगता कि गणेश जी ने बहुत ज़्यादा लेट कर दी इनको पहले एक्टिंग करनी शुरू कर देनी थी? आई बिलीव इट्स नेवर टू लेट, और मेरे ख्याल से ये भी यही बिलीव करते हैं, और ये इतने अच्छे कोरियोग्राफर हैं तो इनको कोरियोग्राफी से मुझे लगता नहीं है कि टाइम मिला होगा अभी तक। और थैंक गॉड इन्होंने टाइम निकाला और इतनी अच्छी मूवी बनाई, और ये इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं इसके अंदर। अजय जी ने इनको बहुत अच्छी तरह शूट किया है, तो प्लीज़ डू वॉच द मूवी, और अब तो ये करते ही रहेंगे मेरे ख्याल से। हे ब्रो, हे ब्रो, उधर हे ब्रो, ब्रो मेरा सर के साथ हमेशा अच्छा रहा। मेरी पहली फिल्म, मेरा पहला डेब्यूट गणेश जी ने मुझे ब्रेक दिया था, क्योंकि जो पहली फिल्म इन्होंने डायरेक्ट की थी स्वामी, तब मुझे पहला मेरा स्टार्ट हुआ था फिल्म करियर। और जब उन्होंने आज प्लान किया कि उन्हें एक्टिंग इनिंग स्टार्ट करनी है, तो अजय जी के साथ मिलकर उन्होंने फिर मुझे याद किया, और इस फिल्म इतने अच्छे और प्यार से बन गई कि आज फाइनली हम लोग प्रमोट करने आए हैं, और ग्लोबल विजन के सामने हमने फर्स्ट टाइम अपना प्रमोशन स्टार्ट किया है, तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म हो नहीं सकता था स्टार्ट करने। लगता है वो जो गाना आपने रिलीज किया है यूट्यूब पे, इतने सारे व्यूज मिल रहे हैं उसको, हाँ। देखते हुए लगता है ज़्यादा प्रमोशन की जरूरत है क्या, क्योंकि गाने ने सब कुछ प्रमोशन लाला और म्यूजिक को आपने फिर से ला दिया। ये अगर आप बोल रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, सच बताऊँ मेरे लिए बहुत ये है। पुष्पा कृष्णा क्रिएशन ये मेरी तीसरी फिल्म है, मैं प्रोड्यूसर नहीं हूँ, वाइफ मेरी प्रोड्यूसर है विधि, डायरेक्टर अजय है, और एक्टर्स इन लोगों में मैं तो सपोर्टिंग रोल कर रहा हूँ। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि उस गाने से मुझे ये पता चला कि इंडस्ट्री में जो बड़े बड़े लोग हैं या जितने लोग हैं मुझे प्यार बहुत करते हैं। मेरी 25 साल की जो मेहनत है वो अभी हे ब्रो इस फिल्म में दिख रही है, और अमित जी, अक्षय, ऋतिक, अजय, रणवीर, प्रभु, गोविंदा जी, इन लोगों ने सबने बहुत प्यार किया, और वो गाना इतना सडनली आज कल ही लॉन्च हुआ और सडनली जो पॉपुलर हो रहा है, जो रिस्पांस मिल रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। मैं सच बताऊँ कि आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी में मेरी इंडस्ट्री की जो मेहनत थी वो सफल हो गई, इसका फल मुझे मिल रहा है। उन लोग की तरफ से क्या रिस्पांस, कुछ फ़ोन होना आया था आपको अमिताभ, अमित जी से मेरे को मैसेज आया, अमित जी ने बोला वेरी गुड, लव्ड एंड डिफरेंट, बहुत ही अलग है। रणवीर से मेरी बात हुई, अक्षय से बात हुई, सब जन ने बहुत देख के बहुत ही बोला बहुत ही अलग है, बहुत ही डिफरेंट है। अजय ने बेसिकली पूरा कॉन्सेप्ट किया, अजय है, और इस फिल्म के जो कोरियोग्राफर मैं ही हूँ, राहुल और संजीव कोरियोग्राफर है मेरे असिस्टेंट, मैं बस एक्टिंग किया हूँ उस फिल्म में। और जब मैं इनके पास गया था, मैंने अमित जी को बोला, अमित जी मुझे आपके साथ डांस करना है, तो बोला हाँ ज़रूर है, क्यों नहीं करेंगे, ज़रूर गाना तो भेजो। और जब गाना सुना उन्होंने तो बोला गणेश बहुत अच्छा है, अक्षय को गाना बहुत पसंद है, रणवीर को बहुत पसंद है, अजय को, ऋतिक को, प्रभुदेव को, दे लव द सॉन्ग। और मैं ये ज़रूर कहूँगा थैंक यू अमित जी, अमित जी लाइक माई फैमिली, मैंने मेरी ज़िंदगी का करियर असिस्टेंट कोरियोग्राफी उनसे किया है, अक्षय जो मेरा एक दोस्त है, भाई है, लव यू संडे, एंड ऋतिक, अजय देवगन, बहुत सी बहुत बहुत प्यार है, प्रभु देवा, और रणवीर ततर ततर हिट दिया है, तुम लोगों ने मुझे बहुत प्यार किया है, और मैं भूलूंगा नहीं, इट्स मेरे बैनर के लिए जो सपोर्ट किया, आई ऑलवेज रिमेंबर दैट, थैंक यू, ओके। और बहुत सालों से हमने काम किया, मेरे पहले काफ़ी पिक्चरों में इन्होंने कोरियोग्राफ किया है, और मुझे ऐसे लगा ही नहीं कि मैं कोरियोग्राफर से काम कर रहा हूँ, इतना इज़ वेरी गुड इन एक्टिंग, एंड गणेश आचार्य दूसरा एंटरटेनमेंट एक ही वर्ड है इनके लिए। और एक साथ सारे स्टारों को लाना कितना टफ रहा आपके लिए? इनके लिए ये जवाब मैं दूंगा, इनके लिए बड़ा इजी था, बिकॉज सब इतना प्यार करते हैं इनको कि एक बार मिले और सबने एग्री किया और आपने रिजल्ट देख लिया इसका। और नूपुर और अंजना के साथ आप फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं तो कैसा लगा? नूपुर इतनी कॉन्फिडेंट लड़की है, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, मुझे लगा ही नहीं कि न्यू कमर के साथ काम कर रहा हूँ। एंड मनिंदर ने पहले इनके साथ काम किया है, ही इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर, फैंटास्टिक डांसर, और आपको एक नया एंग्री यंग मैन मिलेगा आपको, ये दावा है मेरा। दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों 27 तारीख को जाओ, 27 फेब को पिक्चर देखो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते हम लोग, सब एक साथ बोलेंगे तम।
27 फरवरी को प्लीज देखिएगा, जिस तरह से बड़े बड़े स्टार्स लोगों ने मुझे प्यार किया है और उसी तरह ऑडियंस में आपको बता रहा हूँ, देखिए।